एक बार पढ़ ले, जल्दी टॉपिक को रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए एसएचई का यूज जो है, एसएचई को सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, और इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और इसके साथ साथ कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मेजरिंग डिवाइस भी कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मेजरिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो एसएचई कहा जाए या फिर आपको कहा जाए एनएचई कहा जाए, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाए या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाए या फिर कहा जाए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ गिवन हाफ सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, ठीक है। एसएचई का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए एसएचई जो होती है, एसएचई में होता क्या है, यहां से 1 atm प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन होती है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे HCl भरा होता है, HCl भरा होता है 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर कंडीशन रखते हैं वो 298 केल्विन या फिर आप ऐसे कह लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं एसएचई में, ठीक। और सबसे बड़ी खासियत, ये जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज करते हैं ये यूनिवर्सल इलेक्ट्रोड है, जो कि इसको कहते हैं ना कि सबसे सेफ इलेक्ट्रोड, जो कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। क्या है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज होता है, और इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर एक ब्लैक कोटिंग की गई होती है। ब्लैक कोटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो हमारा रिएक्शन है उसमें जो हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो एग्जैक्ट आए, उसमें उससे फ्लैक्चुएशन ना आए। अगर ब्लैक कोटिंग नहीं करेंगे तो, क्योंकि सारा पॉइंट ऑफ रिएक्शन यहीं पे होता है, तो वैल्यू फ्लैक्चुएट होने लगती है। इसे ब्लैक कोटिंग करके हम जो एरर होती है उसको कम करते हैं। ब्लैक कोटिंग करने के पीछे जो मेन मोटिव है वो एरर, परसेंटेज ऑफ एरर को कम करता है, क्योंकि रिएक्शन की जो साइट है, इस सेल में जो रिएक्शन होगा एसएचई में, वो कहाँ पे होता है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर होता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो कि आप अगर आप पढ़ोगे तो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, एसएचई इज आल्सो नोन एज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। एसएचई को रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो मैंने क्या क्या नाम बताया, एसएचई मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एलएचई नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, या फिर इसको और क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मेजरिंग डिवाइस भी कहते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सॉरी सेकेंडरी नहीं, सॉरी सेकेंडरी गलत बोल दिया, इसको प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी मतलब जनरली हमेशा यही यूज किया जाता है, सेकेंडरी का काम तो कैलोमल इलेक्ट्रोड करता है। ध्यान रखिएगा, हमारे पास बहुत सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, लेकिन जो हमारा एसएचई है इट एक्ट्स एज ए प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाता है, ये ध्यान रखिए। एसएचई को प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। अच्छा, इसकी खासियत होती है कि ये कैथोड और एनोड दोनों की तरह काम कर सकता है। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इट एक्ट्स एज ए कैथोड एंड एनोड, ये इलेक्ट्रोड दोनों तरीके से काम करता है, और इसीलिए इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही साइड पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑक्सीडेशन होगा तब क्या कहेंगे, रिडक्शन होगा तब क्या कहेंगे, ठीक है। तो आइए, अगर इट एक्ट्स एज ए कैथोड, अगर ये कैथोड की तरह काम करे तो सबको पता है कि कैथोड का मतलब, कैथोड करे एनोड की तरह काम करे तो क्या होगा? एनोड पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़े हो, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आ रही है, ये हाइड्रोजन गैस H2 जो है वो कन्वर्ट होती है 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन, H2 इज कन्वर्टेड इनटू 2H+ N2 इलेक्ट्रॉन। कहीं कहीं पे आपको ऐसे लिखा मिलेगा 1/2 H2 गिव्स आउट H+ +इलेक्ट्रॉन, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1/2 H2 लिखा जाएगा मतलब एक सिंगल हाइड्रोजन और H+ और एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आती है इस इलेक्ट्रोड पर, जो कि ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, इस पे हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है।
तो इस समय क्या रिएक्शन हो रहा है? इस समय अगर आपसे मैं कहूं कि आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे H2, ये हो क्या रहा है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या रिप्रेजेंट करोगे? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस आई और किसमें कन्वर्ट हो गई, H+ में कन्वर्ट हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई, H+ में। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Pb H2 H+, ठीक है, और ये H+ कह रहा हूँ, हाफ H2, हाफ H+, हाफ कह रहे हैं, सॉरी Pb हाफ H2 H+, ऐसे भी ले सकते हो या फिर आप क्या ले सकते हो, सीधे सीधे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसको कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हो मिलेगा Pb H2, तो आप इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, तो इसकी इलेक्ट्रोड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारा SHE, क्योंकि कैथोड और एनोड दोनों की तरीके से काम कर सकता है, एनोड की तरह काम करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा 2H+, दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, या इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके इलेक्ट्रोड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे लिखा हुआ मिल गया आपको, तुरंत समझिएगा PtH2H+ ऐसे लिखा हुआ मिल गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा डीएस में, PtH2H+ लिखा हुआ मिल गया तो आप समझ जाइएगा सर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट हाफ H2H+ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल को देखिए। यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 1 atm, कंसंट्रेशन कितना है 1 molar, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो सारी कंडीशन स्टैंडर्ड लगा दिया हो, तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दिए हो तो यहाँ पे इसकी इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ई हाफ H2H+, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में हो गया, ठीक है। तो SHE को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लियो, आगे बढ़े। तो SHE का कांसेप्ट क्लियर हो गया, SHE एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो कि प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाता है, NHE कहलाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ एप्लीकेबल होती है और ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कहलाता है, क्या कहलाता है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये कैथोड और एनोड दोनों तरीके से काम करता है और कैथोड एनोड दोनों तरीके से काम करेगा, तो एनोड की तरीके से काम करेगा तो ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आ रही है ये कन्वर्ट हो जाएगी H+ में और इसको रिप्रेजेंट करने का रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखेगा, ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना है PtH2H+, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है H+ में, याद करिए जिंक इलेक्ट्रोड वाले में जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Zn-Zn+2, वैसे यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। आइए अब ये यहां पे ऐसे कैथोड काम कर रहा है तब क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे कैथोड काम करेगा तब क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैथोड ये ठीक उल्टा हो जाएगा 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2, या S को आप ऐसे ले सकते हो H+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट हाफ H2, ये कैथोड की तरह काम करेगा, तो मतलब रिडक्शन होगा और तब वही जो आपने रिएक्शन लिखा था उसी रिएक्शन का जस्ट रिवर्सिबल हो रहा है। अब आपके दिमाग में चीज क्लियर हो रही होगी सर इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं H+ PtH2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं H+ PtH2 H+ PtH2 के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किस फॉर्म में, H+ PtH2 के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है, H+ PtH2 के फॉर्म में। और इसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को लिखेंगे कैसे, E0 H+ हाफ H2, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। तो आप देख रहे हो कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड है जो कि ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में भी काम कर रहा है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में भी काम कर रहा है, तो एक साथ दो काम कर रहा है और इसीलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस में इस रिएक्शन को ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको लिखेंगे कैसे हम, आप ऐसे लिख सकते हो H2 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर आ रहा है तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये जो हो रहा है प्रोसेस, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है ये कैथोड पे हो रहा है और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कहां पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। तो क्योंकि यहां रिएक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस में है इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कहलाता है, क्लियर है। यहां पे ये दो तरीके से काम कर रहा है, H+ हाफ H2 के फॉर्म में और दूसरा हाफ H2H+ के फॉर्म में, ये दोनों तरीके से काम कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में भी काम कर रहा है और स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में भी काम कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है, बोलिए भाई कर रहा है। चलिए अब ये स्टूडेंट्स यहां देखिए कि SHE ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दोनों काम कर रहा है, ये जो H+ से H2 कन्वर्ट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब कि रिडक्शन का काम कर रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में हो गया और ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में। अब बात आती है कि एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रिवर्स इलेक्ट्रोड क्यों है, क्लियर हो गया क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो रहा है। अब जो बात सामने है सबसे बड़ी खासियत कि इसकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है E half H2 H+ की वैल्यू वो भी जीरो होती है और E not half कन्वेंशनली इसको कन्वेंशन फॉर्म में है ना, कन्वेंशन समझते हो ना, कन्वेंशन का मतलब होता है कि ये कन्वेंशनली मान लिया गया है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है जीरो। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू इसकी क्या होती है स्टैंडर्ड कंडीशन में जीरो होती है, एक चीज क्लियर हो गया, चाहे कहीं भी लगा लो उसको इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रखोगे जीरो रखोगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका यूज क्या है, SHE का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि SHE क्या है, SHE कैसे काम करता है, ऑक्सीडेशन की तरह भी काम करता है, रिडक्शन डिपेंड करता है, इसे कैसे कहते हैं कि कुछ चीजें होती है ना मास्टर की, मास्टर की समझते हो, मास्टर की का मतलब ये होता है कि जो आपकी मास्टर की होती है वो किसी भी ताले में लग जाती है, तो वैसे ये है जहां जैसी जरूरत पड़े वैसे ये काम करे, मास्टर की तरीके से ये काम करता है। तो कैसे करता है आइए देखते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काम करने का तरीका जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काम निकालने का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमको कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए गिवन हाफ सेल, एक हाफ सेल मैंने आपको दे दिया है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के मुझे आपको दिखाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है और आपको सेटअप बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने बोला है कि मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है। सपोज दैट मुझे आपने जिंक इलेक्ट्रोड दे दिया, क्या दे दिया जिंक इलेक्ट्रोड, आपने मुझे जिंक इलेक्ट्रोड दे दिया और कहा कि सर जरा जिंक इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के दिखाइए, तो मैं कैसे निकालूंगा, क्वेश्चन क्या है कि जिंक की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकाल के दिखानी है कि सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मिलेगी, ठीक है, ये आपको पता करना है। और ये आपका क्या है सभी लोग जानते हैं क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है या SHE। क्वेश्चन ये उठता है कि SHE का यूज कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ है, तो मैंने आपको अभी स्टार्ट किया पहला एप्लीकेशन, SHE का जो पहला एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट्स वो यूज होता है टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ गिवन हाफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं, क्यों। अब यहाँ कंडीशन देखिए क्या क्या लगाने वाला हूँ, ये 180 हो गया, HCl का कंसंट्रेशन कितना हो गया 1 मोलर हो गया, यहाँ जो ZnSO4 होगा उसका कंसंट्रेशन कितना लूंगा मैं, सिंपल सी बात है कि 1 मोलर लूंगा, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर कितना लूंगा मैं 298 केल्विन, सर्किट जोड़ दिए, सर्किट कंप्लीट कर दिए, यहाँ देखिए क्या किए की को जोड़ दिए, यहाँ की को जोड़ दिए, जैसे ही की को जोड़ोगे सर्किट कंप्लीट है, ये शॉर्ट ब्रिज लगा करके सोल्यूशन को करेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, सोल्यूशन को करेक्ट कर दिया है, सोल्यूशन जैसे ही करेक्ट हुआ, सोल्यूशन करेक्ट हो गया, अब सोल्यूशन करेक्ट होने के बाद सोल्यूशन ही करेक्ट हो चुका है, अब क्या करें इसके बारे में बताइए,
जैसे ही ये सोल्यूशन कनेक्ट हुआ हमें क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही सोल्यूशन कनेक्ट होगा यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, सडन किस पे कन्वर्ट होगा, जेड प्लस टू पे टू इलेक्ट्रॉन निकाले, ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहां दो इलेक्ट्रॉन निकला वो दो इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जाएगा, ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है कैथोड, ठीक है एनोड और ये आपका। तो एनोड से कैथोड जाएगा ये, ठीक है। तो एनोड से कैथोड जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जेड से जेड प्लस टू और टू इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां क्या जा रहा है टू इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब हमारा एस एच ई कैसे काम करेगा जल्दी बताओ। एस एच ई में होगा भैया क्या रिडक्शन, मैंने बोला था कि ना मास्टर की है, जिसकी जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा काम कर देगा ये। अब रिडक्शन का काम करने जा रहा है, रिडक्शन काम कैसे करेगा, यहां सॉल्यूशन में एच प्लस पड़ा हुआ है, ये टू एच प्लस दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर देखो ऑक्सीडेशन हुआ, इधर क्या हुआ रिडक्शन हुआ। जब ये काम हो रहा होगा तो हमने यहाँ जो वोल्टमीटर लगा रखा है उसमें फ्लक्चुएशन कुछ आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ, आएगा ना भाई फ्लक्चुएशन आएगा कि नहीं आएगा। जब ये सेल सर्किट कंप्लीट करेगा, सर्किट को जैसे ही ऐड करेंगे ये रिएक्शन होंगे, ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन इधर रिडॉक्स हुआ, ऑक्सीडेशन यहाँ भी हुआ जेड एन कन्वर्ट हुआ जेड एन प्लस टू में और दो इलेक्ट्रॉन निकाला, और यहाँ पर रिडक्शन हुआ दो इलेक्ट्रॉन वो जो गया था वो टू एच प्लस के साथ एच टू बनाया, तो क्या होगा जल्दी बताइए। सिंपल सी बात है, तुरंत हमारा रिएक्शन काम करना स्टार्ट करेगा, तुम्हारी हमारी जो ये वोल्टमीटर है इसमें फ्लक्चुएशन करना स्टार्ट होगा, वो कुछ रीडिंग बताएगा बताएगा या नहीं बताएगा जल्दी से बताओ भाई, तो फिर आगे बढ़े बताएगा कुछ रीडिंग बताएगा या नहीं बताएगा, मुझे लगता है बताएगा आप लोग रीडिंग वोल्टमीटर कुछ ना कुछ बताएगा। तो हमको जो ऑप्शन मिला उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाली तो हमने इधर लगा दिया। अच्छा मान लीजिए मैंने आपको कॉपर दिया और मैंने कहा कि भैया जरा सा इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, तो जब आपसे मैं बोलूं कि रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के दिखाओ तो उस सेल को जैसे मान लीजिए मुझे जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालनी थी, तो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालनी उसको इधर लगा दिए और इधर क्या लगा दिया एस एच ई लगा दिए, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या कर दिया, अगर मुझे मान लीजिए आप कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के दिखाइए तो मैं किधर लगाता, समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमको देखना है कि आपको जो मैंने सेल दिया है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा हूँ कि रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन पूछूंगा तो इधर लगा देंगे लेफ्ट साइड में, और अगर आपसे पूछूंगा नहीं रिडक्शन लगाना है तो इधर लगा देंगे, तो ये उधर चलाएंगे उधर, समझ बात आया कि नहीं आया। ये इंटर कन्वर्ट आपको करना जानना पड़ेगा कि इसका यूज कब कैसे करेंगे, इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर आपसे मैंने बोला कि मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो आप जो मैंने सेल दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में कहाँ लगाओगे, लेफ्ट साइड में लगाओगे। लेकिन अगर मैंने कहा नहीं मुझे इसकी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो आप इसको उठा करके कहाँ लगा दोगे, राइट साइड में, समझ बात आ रही है नहीं आ रही, ठीक उस तरीके से ये इधर चलाएगा वो उधर चलाएगा। तो देखना है कि न्यूमेरिकल या क्वेश्चन पूछ जब रहा बोर्ड में वो आपसे कभी कभी कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए बोलता है, कहता है स्ट्रक्चर बना करके बताइए, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा अगर आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आप उसे कहाँ रखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल पूछेगा आप इसी सेल को उठा करके इधर रखोगे और एस एच ई उसी के अपोजिट चला जाएगा, ये ध्यान रखें एस एच ई उसी के क्या चला जाएगा अपोजिट चला जाएगा, क्या रहेगा। तो अभी हुआ क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, अब मैंने आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताया, अगर आपको याद होगा तो एक फार्मूला बताया था कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फार्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू होता है ई आर माइनस ई एल, ई आर का मतलब होता है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ये बताया था ई आर का राइट और ये लेफ्ट, राइट में क्या होता है रिडक्शन होता है, लेफ्ट में क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। या इसी को आप कहीं कहीं ऐसे लिखा पाओगे कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है ये फार्मूला। तो जरा बताइए आपके जो वोल्टमीटर की रीडिंग आई थी वो क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, मान लीजिए वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल जो आई वैल्यू मान लेते हैं, मैं भी वैल्यू रटी नहीं हुई है उसको सपोज कर लेते हैं कि 0.06 थी, ठीक है। चलिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या था इसको आप देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल जो था वो था
एच प्लस टू, और ये था जेड एन जेड एन प्लस टू, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी आपको बताया इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताइए। इस हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो बताया, कन्वेंशनली क्या माना जाता है जीरो। और ये किसकी रीडिंग आई हुई है, ये रीडिंग आई हुई है ई सेल, ई सेल मतलब जो हमारा वोल्ट मीटर रीडिंग बताया है सर्किट कमेंट करने पर, तो क्या हो गया 0.76 इज इक्वल टू ई नॉट एच प्लस हाफ एच टू माइनस ई नॉट जेड प्लस टू, क्या हो गया इसकी वैल्यू क्या रखेंगे जीरो रखेंगे, तो क्या हो गया माइनस ई नॉट जेड एन जेड प्लस टू इक्वल टू आ गया 0.76, आया कि नहीं आया 0.76, और ये हो गया ई नॉट जेड एन जेड एन प्लस टू जो हो गया माइनस 0.76 वोल्ट। यस ठीक है, ये हो गया आंसर। तो आपने देखा कि किसी भी सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप आसानी से निकाल सकते हो, किसी भी सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप आसानी से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो निकल जाएगा, कोई भी सेल दे दिया जाए आप ऐसे निकाल लो। अच्छा ये मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गई तो रिडक्शन पोटेंशियल की क्या हो जाए, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो था माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, मान लीजिए अभी लिखिए जेड से जेड प्लस टू रिडक्शन पोटेंशियल आया, क्या करोगे माइनस इसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है ये 0.76, लेकिन किसमें आई माइनस है माइनस माइनस प्लस, ई नॉट रिडक्शन क्या हो जाएगा प्लस 0.76। तो ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होती है, दोनों ही वैल्यू सेम होती है, बस साइन का चेंज होता है, इसका चेंज होता है साइन का चेंज होता है, साइन कन्वेंशन का चेंज होता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू रख करके सॉल्व करना है तो आप ये तरीका अपनाइए, आपका आंसर हमेशा निकलता जाएगा, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आप समझ गए ठीक, जैसे एक क्वेश्चन में देता हूं, अब आप निकाल लो कि SHE की हेल्प से किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन मिला है तो रिडक्शन कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात है सर, बस साइन चेंज कर देना, क्लियर है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE की मदद से कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके निकालोगे, आपका जो वोल्ट मीटर रीडिंग बताएगा वो क्या होगा, वो आपकी सेल पोटेंशियल होगी, क्या होगी सेल पोटेंशियल होगी, तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू वो यहाँ रखोगे, बाकी आप जिधर आप एस एच ई को लगाए उस हिसाब से वैल्यू को पुट अप करके सॉल्व करोगे, अगर ऑक्सीडेशन पूछा है तो ऑक्सीडेशन निकालो, रिडक्शन पूछा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि SHE की मदद से सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रो की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आपको देखता हूँ, देता हूं आप करेंगे भी अपने आप समझ में आएगी। आपको मैंने एक टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया था, मुझे लगता है कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत लोगों को नहीं क्लियर हुआ होगा, तो नेक्स्ट जब टॉपिक कर नहीं परसों जब मैं आपको फिर लाइव क्लास पढ़ाऊंगा तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप उसमें परेशान मत होइएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद जो है हम लास्ट इक्वेशन पढ़े उससे पहले हमें पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े टॉपिक क्लियर नहीं होगा, हम नस्ट क्वेश्चन नहीं क्लियर कर सकते। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज जो है क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हो पाई और थोड़ा जल्दी ही खत्म हो रही है, बस परेशान मत होइएगा, हम लोग क्लास जो होगा वो कल का वीडियो में एक घंटे का पूरा बनाऊंगा, जिसमें कि